शिमला जिला के रामपुर सब्जी मंडी में किसानों को अपने उत्पाद बेचना मुश्किल हुआ है। सब्जी मंडी में जगह की कमी से किसानों को अपने उत्पाद रखना तो दूर, खड़े होने की भी जगह नहीं मिल पाती। किसानों का आरोप है कि मंडी में उन्हें उत्पादों के सही दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। यहां पर आढ़तियों द्वारा कई तरह की हेराफेरी किसानों बागवानों के साथ की जाती है। किसानों ने सब्जी मंडी को जल्द ही कहीं अन्य जगह शिफ्ट करने। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में इंदिरा मार्केट स्थित सब्जी मंडी में किसानों और सब्जी विक्रेताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को सब्जी मंडी तक वाहनों की आवाजाही सुविधा ना होने से उत्पाद पहुंचाने में काफी मुश्किलें पेश आते हैं। सब्जी मंडी में जगह की कमी की वजह से उत्पाद रखने में भी मुश्किलें पेश आ रही है। वहीं किसानों बागवानों ने सब्जी मंडी में किसानों बागवानों के साथ हेरा फेरी के भी आरोप लगाए। बागवानों का कहना है कि सब्जी मंडी में ना तो बोली लगती है और ना ही उन्हें पक्की पर्ची दी जाती है। किसानों बागवानों ने रामपुर की सब्जी मंडी को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। ना रेट का कोई पता, ना कोई बोली लगती है, और जो भी बाहर से बेचारे किसान लोग आते हैं, आधे आदमी को तो ये पता नहीं कि हमारा माल क्या रेट गया, क्या भाव बिका, ये अंतर खाते से जो भी रेट लगाते हैं उसी में लोग संतुष्ट हो जाते हैं, ना किसी चीज की बोली लगती है। यहाँ पर मेरी गुजारिश है कि इस जो मंडी का जो रख रखाव है, इसका जो सिस्टम है, इसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाए और लोगों को जो है पक्के बिल दिए जाएं, लोगों के माल की जो बोली लगे, यहाँ बिना बोली के ही माल बिकता है। इस सब्जी मंडी के बारे में अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऐसा है यहाँ पर, ऐसा है जो माल खराब हो वो भी वही रेट बिक रहा है, जो माल अच्छा है वो भी वही रेट बिक रहा है। और दूसरी बात, ऐसे जैसे हमारे से 20 रुपया यहाँ पर ले जाता है तो हमारे को 50 रुपया ये दुकानों में मिलता है। और फिर हमारा जो बारदाना है इसमें भी ऐसा है, अगर हमारे 100 ग्राम का कटा है तो हमारे को 15 रुपये का मिल रहा है ये, तो इससे भी किलो जो काट रहे ये लोग, इस पर कोई निगरानी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये भाव है ये मन मर्जी के दामों में यहाँ पर खरीदते हैं, और आगे जाकर के जो मार्केट में जो कंज्यूमर को जाता है रेट वो दो गुना या तीन गुना हो जाता है। जैसे अभी भिंडी की बात करूँ, ये अभी 30 रुपया बिक रहा था और जबकि 60 और 70 रुपया किलो बाहर भेजा जाता है। इससे स्पष्ट होता है जो हमारा पीडीसी सिस्टम, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मेरा प्रशासन से और सरकार से आग्रह रहेगा कि उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो किसान लोग हैं जो कड़ी मेहनत से जो अपना पैदावार उगा करके यहाँ पर बेचने को लाते हैं उसका उचित दाम मिले, और जो उपभोक्ता है उनसे भी लूट घसूट चली है। दो लोग प्रभावित हो रहे हैं, एक किसान जो प्रोडक्ट को तैयार करता है और दूसरा जो कंज्यूमर है जो उसको खरीदता है। और हम एक सब्जी उत्पादक है सर, हम अपने उत्पाद को मार्केट ले आने के लिए रामपुर तक पहुंचते हैं, और हमारी गुजारिश है सर, मेरे भाई साथी कोई अनपढ़ कोई साथी लोग हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे इसकी हमारी मांग है कि ये जो साथी लोग हैं हमारे को इस कांटे में कुछ अनुभव नहीं है। हम चाहते कि अगर बिजली का कांटा हो, इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो, तो हम अपने सामने इसका वेट देख सकें और हम थोड़ा सेटिस्फाई हो सकें। हमारे समस्या एक तो पार्किंग की समस्या है यहाँ पे, बहुत गाड़ी लगाने की बहुत समस्या रहती है, बिल्कुल भी सामान उतारने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पे, और उसके बावजूद यहाँ पे माल रखने की बिल्कुल भी वो नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, माल की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। इसलिए हमारी अपील है कि जो डकोलर में सब्जी मंडी बननी है उसका काम जल्दी जल्दी करवाया जाए और उसे बनाया जाए। रामपुर व किन्नौर के मंडी प्रभारी हेमंत शर्मा ने बताया कि रामपुर सब्जी मंडी में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसे सुधारने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी काफी तंग है और इसे शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है जगह जगह से किसान आते हैं, जैसे रामपुर मतलब का एरिया जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का और ऊपर से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत तंगी हो गई है सामान। यहाँ पर जैसे ऊपर से नीचे माल आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, पर यहाँ रखने के लिए जगह नहीं होती है, जैसे लोग यहाँ पर बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। अब कुछ खरीदार होते हैं, कुछ जमींदार होते हैं ले आने वाले, तो इसके लिए हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि भी हमारी सब्जी मंडी को यहाँ से शिफ्ट किया, कोल्लू शिफ्ट किया जाए, तो उसके लिए सरकार के कार्रवाई भी चली हुई है और शायद जल्दी इसका निर्माण हो जाएगा। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।